इन दिनों सोशल मीडिया पर रातों रात स्टार बनने वाली एक ऐसी सिंगर की चर्चा हो रही है जो फिल्म इंडस्ट्री में तमाम सितारों के जुबां पर इस वक्त बनी हुई है। कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ उनके बारे में ऐसी भी बात कर रहे हैं जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हम इस खास रिपोर्ट में वेस्ट बंगाल की रानाघाट रेलवे स्टेशन पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर के मशहूर गानों को गाकर अपना जीवन गुजारने वाली रानू मंडल के बारे में, जिनके बारे में हाल ही में एक एक्ट्रेस ने चौंकाने वाला बयान दे दिया। दरअसल वो कोई और नहीं अभिनेत्री महिका शर्मा है, जिन्होंने अपने रिएक्शन देते हुए कहा कि हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती है। फिल्म इंडस्ट्री में मुकाम पाने के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। रानू मंडल के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि रानू मंडल जी बहुत खुशकिस्मत महिलाओं में से हैं कि उन्हें बॉलीवुड में ब्रेक दिया गया, लेकिन एंटरटेनमेंट की इस दुनिया में असल में इतनी अच्छी नहीं है। ऐसी लॉटरी लोगों के पास कई सालों में आती है, वरना हम जैसी खूबसूरत लड़कियों को सिर्फ दरिंदे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर मीटू जैसे मामले सामने आते हैं। वहीं एक्ट्रेस महिका शर्मा ने कहा कि मनोरंजन की दुनिया में प्लेटफॉर्म हासिल करना सबसे बड़ी जद्दोजहद है। यहां पर लोग आपको मीटिंग के बहाने 10 बार बुलाएंगे, जिसमें से 9 बार आपकी खूब तारीफ करेंगे और 10वीं बार वो आपको किसी फेवर के लिए कहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि वो आपसे ये साफ नहीं कहेंगे बल्कि आपको एहसास कराएंगे। वहीं महिका ने कहा कि मैं इन बातों से किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा नहीं कर रही हूं बल्कि एक कॉमन सी बात कह रही हूं। मैं हिमेश रेशमिया की सराहना करती हूं कि उन्होंने ये शानदार कदम उठाया। इससे बेशक ही उनके आने वाली फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर को एक्स्ट्रा पब्लिसिटी मिलेगी। मेरी ओर से उन्हें शुभकामनाएं। नेक्स्ट 9 लाइव से ऋतिक की रिपोर्ट।